हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स इज़ यूनिक आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज है थर्सडे अगस्त थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वर्ड ऑफ द डे फॉर टुडे इज अप्रिशिएट अप्रिशिएट टू रेकगनाइज हाउ गुड सम वन और सम थिंग इज़ एंड टू वैल्यू हिम हर और इट तो अप्रिशिएट का मीनिंग होता है टू रिकग्नाइज हाउ गुड सम वन और सम थिंग इज़ यानी कि कोई कितना कोई इंसान या कोई चीज़ कितनी ज़्यादा अच्छी है और उसको वैल्यू करना प्रशंसा करना उसकी सराहना करना उसके गुणों को जानना और मानना कि आ, उसमें ये अच्छाई है ये गुण है मान लीजिए कि कोई आ, है इंसान ऐसा है जिसको हम जानते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है ही और शी इज़ ऑलवेज बीन ऑनेस्ट तो आप उसके लिए ये सेंटेंस कह सकते हो कि आई अप्रिशिएट हर ऑनेस्टी बिकॉज़ वो हमेशा ऑनेस्ट आंसर्स देती है शी नेवर लाइड तो इस तरीके से हम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं कि मैं इस बात की प्रशंसा करती हूँ तारीफ करती हूँ सराहना करता हूँ कि वो कभी झूठ नहीं बोलती हमेशा सच बोलती है ईमानदार है ऑनेस्ट है सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अप्रीशियेट वैसे मैं बता दूँ अप्रीशिएट के दो मीनिंग होते हैं बट अभी हम यहाँ पे एक ही मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं दूसरा भी मैं बता देती हूँ एक अप्रिशिएट का मीनिंग होता है प्रशंसा करना सराहना जो कि मैं इस वीडियो में बता रही हूँ एक सेकेंड मीनिंग होता है वो होता है मतलब टू अंडरस्टैंड समथिंग जैसे हम कह सकते हैं आई अप्रीशियट योर प्रॉब्लम जो कि अगर हम दूसरे तरीके से बोलेंगे तो हम ये कह सकते हैं आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम यानी कि अप्रीशियट का मीनिंग होता है कि मैं समझती हूँ आई अंडरस्टोड या आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम या योर सिचुएशन वट एवर इट कु देंटेंस तो एक अप्रिशिएट का मीनिंग होता है कि समझना अंडरस्टैंड करना लेकिन हम यहाँ पर जिस अप्रिशिएट के मीनिंग की बात कर रहे हैं वो है प्रशंसा करना सराहना टू वैल्यू हाई यानी किसी की वैल्यू करना सो दिस इज द मीनिंग ऑफ नाउ वी मूव ऑन टू सिनोनिम्स सिनोनिम्स ऑफ अप्रीशिएट आर वैल्यू रिस्पेक्ट एडमायर एक्नॉलेज रेकग्नाइज वेलकम और गिव थैंक्स तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ अप्रिशिएट विच मीन्स पर्यायवाची हिंदी में सिनोनिम्स का मीनिंग होता है पर्यायवाची यानी कि मिलते जुलते शब्द इन सबका मीनिंग भी सेम ही है अप्रिशिएट नाउ वी मूव ऑन टू एंटनिम्स एंटनिम्स अब देखिए सिनोनिम्स का मतलब होता है मिलते जुलते शब्द और एंटनिम्स होते हैं ऑपोजिट और यहाँ पे अप्रिशिएट का मीनिंग है प्रशंसा करना तारीफ करना बढ़ावा देना तो उसका ऑपोजिट वर्ड क्या होगा मतलब उसकी आलोचना करना तारीफ ना करना अब देखिए अप्रीशिएट का जो बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग होता है उसको कहते हैं डेप्रिशिएट तो यहां पे हम देख लेते हैं मीनिंग एंटेनेम्स ऑफ अप्रीशिएट सो एंटेनेम्स ऑफ अप्रीशिएट आर क्रिटिसाइज बी क्रिटिकल डिक्रीज डेप्रिशिएट डिसरिगार्ड लूज़ वैल्यू और नेगलेक्ट यानी कि अब देख लीजिए एंटेनिम्स का मतलब है ऑपोजिट तो अप्रीशियेट का मतलब होता है तारीफ करना तो उसके ऑपोजिट हो गए एंटेनिम्स की क्रिटिसाइज़ करना आलोचना करना डिक्रीज करना वैल्यू कम करना डप्रीशियेट करना डिसरिगार्ड करना, करना नेग्लेक्ट करना तो दीज आर ऑल द एंटेम्स ऑफ अप्रीशिएट

तभी हमें ये समझ आता है कि हमें इस वर्ड का यूज़ कहाँ करना है कहाँ कर सकते हैं कहाँ नहीं करना है क्योंकि मीनिंग क्लियर होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सो फर्स्ट इज आई बिगेन टू अप्रीशिएट द डिफ़िकल्टीज माई फादर हैड फेस्ड यानी कि अब मैंने अपने पिता की जो परेशानियां हैं डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस की हैं उनको अब मैं समझने लगा हूँ या समझने लगी हूँ आई बिगिन टू अप्रीशिएट द डिफ़िकल्टीज़ माई फादर हैड फेस्ड यानी कि आई मैं उनको समझने लगा हूँ या मैं उनकी सराहना कर रहा हूँ अब मैं जानने लगा हूँ कि किस तरीके से मेरे पिता ने जो परेशानियां हैं वो झेली हैं फेस की हैं बर्दाश्त की हैं अपनी लाइफ में उनको मैंने अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया है सराहना की है क्योंकि हमारे सभी के पेरेंट्स चाहे फादर है मदर है बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं टू तो ब्रिंग अस अप वेल हमको बढ़ा करने बड़ा करने के लिए हमें नर्चर करने के लिए हमारी अब अपब्रिंगिंग के ड्यूरिंग वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हमारे को जो इतनी अच्छी वो लाइफ दे रहे हैं सो दिस सेंटेंस इज़ द क्वाइट क्लोज़र टू दिस सिचुएशन कि आई बिगिन टू अप्रिशिएट द डिफिकल्टीज़ माय फादर हैड फेस्ड सेकेंड सेंटेंस इज आई अप्रिशिएट माय मॉम फॉर हर अनकंडीशनल लव एंड केयर यानी कि मैं अपनी मम्मी की बहुत ही प्रशंसा करती हूँ बहुत तारीफ़ करती हूँ बहुत सराहना करती हूँ किस चीज़ के लिए फ़ॉर हर अनकंडीशनल यानी कि बिना किसी कंडीशन के शी हैज़ लव्ड मी उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया है मेरी बहुत केयर की है देखभाल की है पैदा होने से लेके और अब तक मैं बड़ी हो गई हूँ या हो गया हूँ अब तक उन्होंने मेरी इतनी केयर की है मुझे इतना प्यार किया है अनकंडीशनली सो आई रियली अप्रिशिएट माय मॉम एंड आई रियली वांट टू टेल दैट आई एम रियली क्लोज टू माय मॉम, आई रियली लव हर शी इज़ द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड आई हैव एवर सीन और मेट एंड आई कैन गारंटी नो वन हैज़ अ ग्रेट मोम विच

कि टीचर्स शुड अप्रिशिएट देर स्टूडेंट्स टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए उनकी तारीफ़ करनी चाहिए प्रशंसा करनी चाहिए जब भी वो कुछ अच्छा करें बिकॉज़ इट गिव्स दैम मोर कॉन्फिडेंस क्योंकि इससे उनमें बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आता है आत्मविश्वास आता है टू परफॉर्म मच बेटर बहुत अच्छा और भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए और भी अच्छा प्रयास करने के लिए और ये बहुत सही बात है क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो वो एक तरीके से कॉन्फिडेंस गेन होता है अपने आप में एक अच्छा फील होता है दैट सम वन इज़ प्रेजिंग सम वन इज़ अप्रिशिएटिंग आर वर्क तो वो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं सो दैट द अप्रिशिएशन अप्रिसिएशन विल कंटिन्यू ताकि उनको अप्रिसिएशन मिलती रहे इसलिए चाहे स्कूल है चाहे टीचर्स हैं चाहे ऑफिस डिपार्टमेंट है कुछ भी है सबको अपने एम्प्लॉयज जो भी अंडर काम कर रहे हैं सबको एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग टू ग्रो मच मोर बेटर सो दिस इज द होल डिस्क्रिप्शन अबाउट द वर्ड इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड अप्रिशिएट विच मीन्स टू रिकगनाइज सम वन और टू वैल्यू सम वन और समथिंग synonyms antonyms and example sentences uh, to learn daily english vocabulary please subscribe to my youtube channel universe is unique and press the bell icon this is the end of my video thank you thank you so much for watching